नमस्कार। ABCS ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे और एक नया ताल, ताल कहरवा। इससे पहले हमने सीखा तीन ताल। अभी तक जो लोग नहीं जानते हैं तो कृपया चैनल में जाके ABCS लेसन 22 देख ले, तो आपके लिए ये ताल समझने के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया ताल में जो जो फैक्टर यूज होते हैं, टर्म्स यूज होते हैं, जैसे खाली, सम, मात्राएं, विभाग, बोल, तो ये सब उसमें डिटेल में बताया गया है। आप एक बार देख लेंगे उसको तो कहरवा ताल भी समझने के लिए आपको और आसान होगा। तो चलिए कहरवा ताल के बारे में जानते हैं। ये ताल बहुत प्रचलित ताल है। जो लोग भी थोड़ा बहुत गाते बजाते हैं तो इस ताल में तो ज़रूर गाए होंगे। हो सकता है ये ना जानते हों शास्त्रीय रूप में कि ये कहरवा ताल है, तो आज जानते हैं ताल कहरवा। इसमें 8 मात्राएं होते हैं और 2 विभाग होते हैं और हर विभाग में 4-4 मात्राएं, और ताली की संख्या 1, खाली की संख्या भी 1। ताली फर्स्ट बीट पर और खाली 5th बीट पर, और इसके बोल होते हैं धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। अब इसको ताली खाली के साथ कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट बीट में ताली धा गे न ती न क धी न, फिफ्थ में आया खाली न क धी न, फिर से देखिए धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। अब इसको मैं आपको मोबाइल के ऐप में बजा के सुनाता हूँ कैसा होता है, इसके बोल्स सुनने में कैसे होते हैं। देखिए धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। ये बेसिक बोल हैं, पर इसके कई प्रकार से इसको बजाया जाता है, बहुत वेरिएशन से। जैसे गाना होता है भजन हुआ, गजल हुआ, तो गाने के हिसाब से इसके बहुत वेरिएशन होते हैं। एक दो मैं आपको और भी सुनाता हूँ। इसके बोल अलग हैं पर वही 8 बीट कहरवा का ही ये प्रकार माना जाता है। अब देखिए मैं काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 का भी एक प्रकार है, और इस तरह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। भजन जो गाया जाता है तो एक भजनी ठेका बजता है, वो भी कहरवा का ही प्रकार है। जैसे ये देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अक्सर भजन में ये प्रकार, ये पैटर्न यूज किया जाता है। तो इस तरह से कहरवा ताल का यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताली खाली के साथ। फिर आगे हम इस ताल पे आधारित बहुत सारे गाने देंगे, बीट वाइज नोटेशंस देंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और अभी तक जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में उस नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब के लिए नमस्कार।